हेलो गाइस, मेरा नाम विजय है। तो गाइस, आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा एचपी एनवी 13T 2019 मॉडल की। तो जो वर्जन यहाँ पे मेरे पास है वो है नॉन टच फुल एचडी डिस्प्ले के साथ में, और आता है कोर i7-8565U प्रोसेसर के साथ में, जो कि एक 8th जनरेशन का प्रोसेसर है इसके अंदर इंस्टॉल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, बॉक्स को फ्लिप कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं ओपन। तो जस्ट लाइक अदर एच पी एन वी लैपटॉप्स, सामने की तरफ यहाँ पे हमें एच पी एन वी ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और उसके ठीक नीचे यहाँ पे हमें कुछ पेपर वर्क, सेटअप इंस्ट्रक्शंस और अपना एच पी एन वी लैपटॉप देखने के लिए मिल जाता है। 13 इंच लैपटॉप है, और इसका वेट की अगर मैं बात करूँ तो ये 1.2 केजी वेट में आता है। तो बहुत ही लाइट वेट है, और बिल्ड मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं रखता हूँ साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या मिल जाता है। तो ये भी कुछ पेपर वर्क है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और इस साइड यहाँ पे हमें अपना चार्जर देखने के लिए मिलता है। तो ये लैपटॉप यूएस से इम्पोर्टेड है, तो यहाँ पे हमें एक यूएस पिन देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे है हमारा एडेप्टर। तो एडेप्टर की अगर रेटिंग की बात करें तो ये एडेप्टर है एक 65 वॉट पावर आउटपुट के साथ आने वाला, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो इससे हम रखते हैं साइड में बॉक्स को और आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ये एच पी एन वी 13T लैपटॉप। तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दो फिंगर से इसे उठाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और लग ही नहीं रहा है कि मैंने एक 13 इंच लैपटॉप अपने हाथ में उठाया हुआ है विद एन एल्यूमिनियम फिनिश। तो ये एक एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आता है, और उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा लाइट है। थिकनेस की अगर बात करें तो सिर्फ 14 मिलीमीटर थिक है ये लैपटॉप, और यहाँ पे जो आप पोर्ट्स के पास ये मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये इसी थिननेस की वजह से लगाए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन है यहाँ पे लैपटॉप। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स की। तो एक सेकंड, मैं ये रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अगर पोर्ट्स की, तो राइट साइड में यहाँ पे हमें एक पावर पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, उसके ठीक पास में लगा हुआ है पावर इंडिकेटर, और यहाँ पे हमें एक यूएसबी ए पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है यूएसबी 3 को, और यहाँ पे एक एसडी कार्ड रीडर हमें मिल जाता है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक फिजिकल कैमरा किल स्विच, जो कि हार्डवेयर को यूज़ करके आपके कैमरा को स्विच कर देगा। तो यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये कैमरा किल स्विच बहुत ही ज़्यादा सेफ है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है एक 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक। यहाँ पे फिर से हमें एक यूएसबी ए 3.0 पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और फाइनली यहाँ पे एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं अपने वेंट्स की ग्रिल, और इस साइड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं दो स्पीकर। तो एक्चुअली ये लैपटॉप क्वाड स्पीकर्स के साथ आता है, दो फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स और दो रियर माउंटेड स्पीकर ग्रिल्स यहाँ पे मिल जाती है। तो अब फाइनली इस लैपटॉप को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये एक 13.3 इंच की डिस्प्ले है। तो जो वर्ज़न यहाँ पे मेरे पास है वो आता है फुल एचडी डिस्प्ले के साथ में। तो ये वर्ज़न मैं उन लोगों को प्रेफर करूँगा जिनको एक बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए और जिनको डिस्प्ले इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। हालांकि मैं इस डिस्प्ले को बुरा नहीं कहूँगा, ये बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है, बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही ब्राइट है, लेकिन इस लैपटॉप में आपको एक 4K ऑप्शन भी अवेलेबल देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप फुल एचडी चूज़ करते हैं तो आपको डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी एक बैटरी लाइफ मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू द 4K डिस्प्ले मॉडल ऑफ दिस लैपटॉप। और यहाँ पे हमें एक 53 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है इस लैपटॉप के अंदर, जो कि इनफ है एक 13 इंच मॉडल को रन करने के लिए, और एक बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको इस लैपटॉप में देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक नॉन टच मॉडल है जो मैं यहाँ पे अनबॉक्स कर रहा हूँ, तो आप इसको 360 डिग्री तक रोटेट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको एक टच मॉडल चाहिए तो आप $40-50 के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट और करके एक 360 डिग्री रोटेटेबल मॉडल भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको एक एचपी का पेन भी मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई डिस्प्ले की, अब आते हैं फ्रंट साइड में हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे एक लगा हुआ है हमारा फिंगरप्रिंट रीडर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। उसके ठीक नीचे यहाँ पे हमें ब्रांडिंग मिल जाती है इंटेल कोर i7-8th जनरेशन प्रोसेसर की, जो कि है यहाँ पे एक 8565U प्रोसेसर, जो कि अगेन बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। और यहाँ पे जो वर्ज़न मेरे पास है
वो आता है 4GB एनवीडिया जी फोर्स MX250 ग्राफिक कार्ड के साथ में, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। इस साइड यहाँ पे हमें अपने स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, तो यहाँ पे एक स्पीकर, दो स्पीकर रियर साइड में, तो ये एक एक्चुअली क्वाड स्पीकर बन जाता है पावर्ड बाय बैंग एंड ऑल्सन। और यहाँ पे हमारा पावर बटन है और इस साइड यहाँ पे HP की ब्रांडिंग है। फाइनली यहाँ पे बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड का जैसे कि मैं अपने पहले के अनबॉक्सिंग्स में बता चुका हूँ, एनवी के कीबोर्ड बहुत हद तक सेम होते हैं एज द HP स्पेक्टर कीबोर्ड्स, और ये बहुत ही टेक्टाइल कीज़ है। हालांकि की ट्रैवल मैं यहाँ पे थिंकपैड सीरीज़ के लेनोवो से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगेन इट्स अ रियली गुड कीबोर्ड टू टाइप ऑन। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करके देख लेता हूँ, तो बहुत ही क्लिकी है कीज़ और टेक्टाइल है, की ट्रैवल भी ओके है, तो बहुत ही अच्छा एक कीबोर्ड बन जाता है टाइप करने के लिए, और यहाँ पे कोई भी आपको इशू नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पे ट्रैक पैड की, तो यहाँ पे फाइनली इस बार HP ने माइक्रोसॉफ्ट के प्रिसीशन ट्रैवर्स के साथ में अपने ट्रैक पैड को निकाला है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज HP बहुत लेट हो गया ये चीज़ करने में। तो गाइज ये थी इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।